पंजाब दस्तावेज के दर्शकों लिए मैं रजिंदर सिंह तगल लैके हाजिर हाँ। एजेंडा अज के एजेंडा एपीसोड दे विच थानू एक बहुत ही खास खबर सुनावांगे। इस प्रोग्राम विच आज गल करांगे एक वड्डे कॉलोनाइजर दी जो कि आम आदमी पार्टी का वाइस प्रेजिडेंट भी है, फाउंडर मैंबर भी है। दसांगे किवें इस आम आदमी पार्टी के नेता ने इनवैसटर्स नाल कीते वादे पूरे नहीं किए ते हुण वो इनवैसटर अपने आप नूं ठग्या महसूस कर रहे ने। ये शख्स अपने आप नूं अमन अरोड़ा ते इंदरजीत निज्जर कैबिनेट मिनिस्टर के बहुत नज़दीक दसदा। इन्हां दीआं दोहां दे नाल तस्वीरां भी तुहानूं दिखावांगे, तुहानूं दसांगे कि किवें पंजाब पुलिस इस शख्स तो डरदी हुई इहदे विरुद्ध परचा दर्ज नहीं कर रही, भावें कि कमिश्नर ने म्यूनसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर ने जो कि एक आई एस अफसर हुंदा उहने इस विरुद्ध परचा दर्ज करन लई अप्रैल 2022 दे विच लिखिया, नहीं कीता गया। दसांगे कि किवें हाउसिंग ते लोकल बॉडी सैक्रेटरी इहदे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आओ शुरू करते हैं एजेंडा। मेरे वालों सब नूं सत श्री अकाल नमस्कार। अमृतसर दे विच एक वड्डा कॉलोनाइजर जिसने एक जायज़ कलोनी ते दो नजायज़ कलोनियां वसाईयां, वो व्यक्ति सरबजीत सिंह गुमटाला है। उहदी पहली अप्रूव्ड कलोनी स्विस सिटी जिहड़ी कि 9.4 एकड़ च वसी हुई है, ते उहदे नाल दो नजायज़ कलोनियां इलीगल कलोनीज जिन्हां दा नाम हैगा स्विस लैंड अते स्विस ग्रीन, ये उन्हां कंपनियां दा कलोनियां दा प्रमोटर आ। इहदे नाल इहदा सहयोगी पार्टनर अजीत सिंह, ये दोनों ने रल के एक जायज़ ते दो नजायज़ कलोनियां बनाईयां। अगे की हुंदा, ये शख्स खुला घूम रहा है जबकि म्यूनसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर ने पंजाब पुलिस के SSP अमृतसर नूं चिट्ठी लिखी। जदों उत्थे स्वपन शर्मा SSP सी, स्वपन शर्मा ने अप्रैल तो बाद कोई कार्रवाई ना करते हुए कमिश्नर की चिट्ठी नूं दरकिनार करता, पासे सटता। ये चिट्ठी कमिश्नर की कंबो पुलिस पोस्ट के ASI नूं भेजती गई। इस ASI नाल असी संपर्क किया, वह कहिंदा जी जदों उत्तों आदेश होएगा परचा दर्ज कर देंगे, असी हजे घोख कर रहे हैं। मैं कहा जी कितनी देर घोख करनी आ, वह कहिंदे जी तुसीं जिहड़े पीड़ित ने उन्हां नूं कहो मैनू आके मिल। हुण इस मामले दे विच पीड़ित कमिश्नर म्यूनसिपल कारपोरेशन आ जो कि एक IAS अधिकारी आ जिहड़ा कि FIR दर्ज करने वास्ते चिट्ठी लिख रहा। हुण इस कमिश्नर नूं असी कहीए कि तुसीं थानेदार साहब के दफ्तर में जाके उन्हां अगे पेश हो के अपनी मजबूरी या अपनी तकलीफ दसो, ये हो सकता। हुण अगे आउंदे आ, स्विस डिवेलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स नूं पूडा ने 2006 दे विच लाइसेंस दिता। उन्होंने 9.4 एकड़ दे विच स्विस सिटी एक कलोनी वसाई राम तीर्थ रोड से अमृतसर विच, ते इस कंपनी के दो मालक गुमटाला सरबजीत सिंह अते अजीत सिंह। पर सड़कां टुटियां हुईयां ने, स्ट्रीट लाइट नहीं, सीवरेज चौक दा पार्क्स मेनटेन नहीं, जिहड़े प्लॉट होल्डर दा रेजिडेंट्स आ वो भजे फिरदे आ, बेनतियां करदे आ सहूलतां दिओ, असीं इत्थे प्लॉट इस करके खरीदे, पैसा इनवैसट इस करके कीता कि ये कलोनियां सरकारी तौर पर अप्रूव्ड ने, मंजूरशुदा कलोनियां ने, फिर भी साडा बुरा हाल हो रहा। अगे आउंदे आ, उस वक्त कमिश्नर ने अप्रैल
18 ते जुलाई 17 ते उस तो बाद 4 होर चिट्ठियां लिखियां अमृतसर के SSP नूं कि परचा दर्ज किया जाए क्योंकि इस शख्स ने अर्बन डिवेलपमेंट एक्ट अते पंजाब अपार्टमेंट प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट की वायोलेशन की आ नियमों की उलंघना की है कानून तोड़िया इनू फड़िया जाए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तो पहला इस कमिश्नर तो पहला एक पुराने कमिश्नर मिस्टर जग्गी उन्होंने ये दरखास्त दी पुलिस नूं चिट्ठी लिखी कि स्विस सिटी ते इहदे नाल इन्हां दी एक भाईवाल कलोनी जिहदा नाम हैगा रोजलैंड कलोनी जिहड़ी कि तकरीबन 4.5 एकड़ ते वसी हुई आ उहदे प्रमोटर ने जसवीर सिंह जिहड़े कि सरबजीत सिंह गुमटाले दे सके भतीजे ने ते दूजा प्रमोटर हैगा वरिंदर सिंह जिहड़ा कि अजीत सिंह दा नेफ्यू आ भतीजा इस दोनों कलोनियां दी मैनेजमेंट से जिहड़े एड्रैस ने वह सेम ने ये इक्को थां तों ऑपरेट करदे आ पर दोनों कलोनियां दे विच सहूलतां नहीं। मिस्टर जग्गी फॉर्मर कमिश्नर म्यूनसिपल कारपोरेशन अमृतसर ने यह रिकमेंड किया चिट्ठी लिखी पुलिस नूं कि इन्हां दोनों कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए। अगे थोनू होर दिलचस्प गल दसदे आं इहो जी सांठ गांठ है इन्हां दी अधिकारियों नाल म्यूनसिपल कारपोरेशन के छोटे ते वड्डे अफसरां नाल कि रोजलैंड कॉलोनाइजर की फाइल गुम हो जाती है लभदी नहीं पर स्विस सिटी की फाइल मिल जाती है। स्विस सिटी के विरुद्ध परचा दर्ज होने लई लिखता जाता है जिहड़ा कि हजे तक 8 महीने बीतने तो बाद दर्ज नहीं होया पर रोजलैंड जिहड़ी कॉलोनी आ उहनां दे प्रमोटर जसवीर सिंह ते वरिंदर सिंह दे विरुद्ध परचा दर्ज नहीं हुंदा। अगली गल जे फाइल मिसिंग हो गई कि म्यूनसिपल कारपोरेशन ने उन्हां उस मिसिंग फाइल दे वास्ते कोई FIR दर्ज करन वास्ते चिट्ठी लिखी कि साडी फाइल लभाई जाए फाइल गुम किने कीती रिकॉर्ड चों किवें गायब होएगी म्यूनसिपल कारपोरेशन ने अपने तौर ते कोई जांच आरंभी विड्ढी उस जांच दे कंकलूजनस की ने फाइंडिंग्स की ने उस जांच दे विच आना चाहिदा कि किहड़े मुलाजम ने रोजलैंड कॉलोनी की जिहड़ी फाइल आ वह गायब की आ पर यह सब कुछ नहीं होया परचा भी दर्ज नहीं होया ना स्विस दे ते ना रोजलैंड दे। अगे आउंदे आ जी तुहानू दसदे आ कि सरबजीत गुमटाला की कंपनी ने अपनियां जिहड़ियां बैंक गरंटीज़ आ वह लैप्स करातियां जिहड़ा लाइसेंस है वह रिन्यू नहीं कराया। इस दे बावजूद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी म्यूनसिपल कारपोरेशन नूं कहा जी साढ़े हाथ खड़े आ असी डिवेलपमेंट मेंटेनेंस नहीं कर सकते तुसी काइंडली साड़ी कलोनी नूं टेक ओवर कर लो क्योंकि सानू इन्ने साल हो गए इस नूं वसाए हुए वसाए की मतलब इन्ने साल हो गए साढ़े सारे प्लॉट विक गए हुण असी की लेना देना हुण तुसी सड़कां बनाओ तुसी स्ट्रीट लाइट लाओ तुसी सीवरेज ठीक कराओ सरकार नूं खर्चा पाओ जिहड़े पैसे तुसी वट ले उहदा कोई हिसाब किताब नहीं। उन्होंने हुण म्यूनसिपल कारपोरेशन नूं लिखता म्यूनसिपल कारपोरेशन ने कहा जी असी टेक ओवर नहीं कर सकते तुसी शर्तां पूरियां नहीं कर सकते थोड़े विरुद्ध परचा दर्ज होना चाहिए पर इन्ना प्रभाव है इस शख्स का परचा दर्ज नहीं होया। अगे आउंदे आ असी संपर्क किया अमन अरोड़ा दे दफ्तर नाल अमन अरोड़ा दे दफ्तर ने कोई रिस्पोंस नहीं दिती आखिरकार हरमन सिंह उन्हां दे PA ने फोन चुकिया। ये गल्लां कुछ महीने पहलां दी मैं तुहानू दस रहा जदों मैं यही खबर IndiaNarrative.com न्यूज़ वैबसाइट लई लिखी सी या कर रहा सी उस दे प्रोसैस दे विच मैं संपर्क किया हरमन सिंह ने मैनू कहा मैं जी थोड़ी वट्सएप ते मैसेज ते मेल पढ़ लई आ मैं मंत्री जी नूं कह के उन्हां दी रिस्पोंस तुहानू दवाऊंगा क्योंकि ये अमन अरोड़ा नूं जफ्फी पाई खड़ा ये हर उस फोटो दे विच नज़र आउंदा जिथे अमन अरोड़ा दिख रहे आ ये उन्हां फोटोआं दे विच भी नज़र आउंदा जिथे इंदरजीत निजर घूम रहे ने या कोई उद्घाटन कर रहे आ।
अगे दसते हैं इन्होंने हाल के अमृतसर पोल्स के उत्ते अपनी फोटो कुंवर विजय प्रताप एम एल ए अमृतसर उन्होंने नाल लाई। कुंवर विजय प्रताप नाल असी संपर्क किया। कुंवर विजय प्रताप नूं बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा जी एक दिन पहले ही मैनू इस कॉलोनी दे डेलीगेशन ने मेरे नाल मुलाकात की। मैं उन्होंने दस्या कि मैं एम एल ए हाँ तो ये शख्स पार्टी का फाउंडर मैंबर आ तो मैनू तो कई पार्टी के मैंबर मिलन आउंदे आ मैं उन्होंने रोक नहीं सकता पर इस शख्स बारे इस दी करतूत बारे इस दे विरुद्ध पेंडिंग एफ आई आर बारे मैनू जानकारी नहीं सी। कुंवर विजय प्रताप ने मैनू दस्या कि मैं सरबजीत गुमटाला नूं फोन करके दस दिता है सुझाव देता है कि अपनी जिहड़ी कलोनी आ उहनूं नियमां दे अनुसार डिवेलप करो मेनटेन करो जिहड़े उत्थों दे इनवेस्टर आ उहनां दीआं दुख तकलीफां सुण के उहनां नाल समझौता करो उहनां दा जो प्रॉब्लम्स आ सॉल्व करो। तुसीं कॉलोनाइजर हो डिवेलपर प्रमोटर हो तुहाडा इह ड्यूटी बनदी है। इस तों बाद दसण चाहुंदा सुन चाहुंदा सरबजीत गुमटाला ने उन्हां रेजिडेंट्स नाल संपर्क साबित किया जिहड़े कुंवर विजय प्रताप जी नूं मिलन गए सी अते कहा कोई नहीं जी तुसीं रौला ना पाओ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा कुछ आने वाले दिनों। पर मैनूं इह लगदा कि इह सिर्फ एक आश्वासन आ क्योंकि इन्हां दोनों कलोनियां दे विच कई करोड़ रुपए लग के सड़कां बणनियां स्ट्रीट लाइटां ठीक होनियां सीवरेज ठीक होना ये पैसा लाउण वास्ते सरबजीत गुमटाला या उहदा पार्टनर अजीत सिंह या उहनां दे भतीजे जसवीर सिंह ते वरिंदर सिंह लाउण वास्ते तैयार नहीं। ये सी अज दे एजेंडे दे विच उस शख्स दे बारे तुहानू असीं दस्या जिहड़ा कि अपने आप नूं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मैंबर कहिंदा। केजरीवाल नाल भी फोटोआं होर कई लीडर ने भी फोटो असी थानू फोटो अपने प्रोसैस के वीडियो के दिखाइया हौली हौली सारा कुछ थानू दसिया। सो असी आस करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन से कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार भगवंत मान की सरकार भगवंत मान जिहड़ा कि एक साफ छवि वाला शख्स तो मुख्यमंत्री गिणिया जाता है वो कार्रवाई करेगा एहो जे दागी पार्टी वर्करां दे विरुद्ध कार्रवाई करेगा। उन्होंने सरारी नूं कढ़िया उन्होंने विजय सिंगला नूं कढ़िया चंगा कीता कई अधिकारियों नूं उच्च अधिकारियों नूं फड़ फड़ के भगवंत सरकार मान दी सरकार अंदर दे रही आ पर इत्थे किते डबल स्टैंडर्ड ना कर दिखा दिओ इत्थे दोगली नीति ना दिखा दिओ इस व्यक्ति दे विरुद्ध परचा दर्ज होना चाहिए क्योंकि कानून इसकी मंग करता लोग इसकी मंग करते हैं। आज के एजेंडा विच सिर्फ इन्ना ही मैनू रजिंदर तग्गड़ इजाजत दिओ सत श्री अकाल नमस्कार।